सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त आपकी स्क्रीन पर तीन मेहमान दिखाई दे रहे हैं। संजीव वर्मा ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अनिल सत्ती साहब जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। साथ ही अवधेश नोटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तराखंड की सियासत को बहुत लंबे अरसे से कवर करते हुए आए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन उससे पहले वर्मा जी चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना खबर सीएम साहब की। कितना इंतजार करवाएंगे साहब? चलिए ठीक है, गैरसैंण में शपथ ग्रहण मत करवाइए। अब मेरे मन में एक इच्छा थी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया एक चाहता था कि भैया गैरसैंण में जाके नए मुख्यमंत्री शपथ ले। आप नहीं करवाना चाह रहे नए मुख्यमंत्री को गैरसैंण में शपथ ग्रहण समारोह? मत करवाइए सर, कम से कम परेड ग्राउंड में ही हो जाए, कहीं भी हो जाए, लेकिन सीएम कब तक साहब? जनता भी पूछ रही है। देश नोटियाल जी आपके पास आना चाहेंगे, ये क्या मसला है? ये कह रहे थे पूर्ण बहुमत दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन सीएम अभी तक तलाश नहीं पाए। लेकिन तलाश लिया है, हमारे पास जो खबरें आ रही है कि सीएम को तलाश लिया गया है, लिफाफा है, लिफाफा पढ़ लिया जाएगा देहरादून जाकर, बंद लिफाफे में नाम किसका है इसको लेकर संशय है, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए बिल्कुल अभी भी जो स्थिति है कहीं ना कहीं स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है। जो नाम पहले लगभग जिस नाम पे पहले सहमति हो गई थी, अब भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचे हैं, तो एक बार फिर जो अभी तक इनपुट्स आ रहे हैं कि देर शाम को फिर एक बैठक, महत्वपूर्ण बैठक है, जिस बैठक में कुछ और जो है महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आएंगी। अभी तक की जो स्थिति थी, जो बीजेपी ने जो तीन विकल्प तैयार किए थे, पहला विकल्प था कि जो विधायकों में से मुख्यमंत्री बनाया जाए, दूसरा विकल्प था कि जो सांसद हैं उनमें से मुख्यमंत्री बनाया जाए, और तीसरा विकल्प था कि पुष्कर सिंह धामी को एक मौका और दिया जाए। तो हमने देखा कि तमाम जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और तमाम जो अधिकतर जो विधायक मंत्री थे, मतलब जो मीडिया के सामने आके बोल रहे थे, तो कई लोगों ने जो है पुष्कर सिंह धामी की पैरवी की है। लेकिन आप जानते हैं कि बीजेपी को जितना आपने कवर किया है वो लगातार हम भी देखते आ रहे हैं, तो बीजेपी में जिसका नाम ज्यादा चलता है, जिसकी पैरवी ज्यादा होती है, जो ज्यादा हाईलाइट होता है, अक्सर वो गच्चा खा जाता है। मैं अक्सर पिछली बार तक लगातार दिखने में आया कि जिसको लेकर ज्यादा होती है तो ऊपर से जब वो ऊपर से नाम चलते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है ऊपर से जो सुर्खियों में तो रहते हैं लेकिन लास्ट टाइम पे नहीं बना पाते हैं। तो अभी तक जो सूत्र कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो तमाम सिनारियो और सब कुछ देखने के बाद दो नाम तेजी से सामने आए हैं, वो दो नाम है विधायकों में से सतपाल महाराज का और सांसद में से अनिल बलूनी का। इन दो नामों पे जो है जो शॉर्ट लिस्ट होने के बाद ये दो नाम तेजी सामने, इन दो नामों में मंथन चल रहा है। अभी भी कुछ तीसरे नाम की गुंजाइश, जो पुष्कर सिंह धामी के नाम की गुंजाइश है, वो बची हुई है। लेकिन जिस तरह से लगातार मूवमेंट चेंज हुए हैं और जो थोड़ा सा अलग अलग चीजें हुई, क्योंकि महाराज के साथ दिक्कत यह है कि महाराज का संघ का समर्थन है, धन सिंह रावत का संघ का समर्थन है, लेकिन जो विधायकों का समर्थन होना चाहिए, जो औरों का समर्थन होना चाहिए, वो इनपुट्स महाराज के पास नहीं। महाराज नेता बड़े हैं, महाराज को अनुभव भी है, वो रेल राज्य मंत्री रहे हैं, वो उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनको लंबा अनुभव है, ये प्रशासनिक क्षमता उनकी अच्छी है, लेकिन जो समर्थन बीजेपी के अंदर चाहिए तमाम, वो एक सुर में महाराज को समर्थन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एकजुटता देखने को मिल रही है, विधायक हो या सांसद हो, वो अनिल बलूनी के नाम पे है। पार्टी के अंदर पूरा खेमा जो है, चाहे विधायकों का खेमा हो, सांसद का खेमा हो, या दिल्ली के जो लॉबी है, वो पूरी तरह से एकजुट है। लेकिन बस यहाँ पे एक चीज की जो दिक्कत है, जो मेरी समझ से जो मुझे लग रहा है एक पत्रकार के तौर पर, क्योंकि 2024 में लोकसभा का महत्वपूर्ण चुनाव है और कहीं ना कहीं अनिल बलूनी जो मोदी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है राष्ट्रीय मीडिया के लिए, लंबे अरसे से वो राष्ट्रीय मीडिया को देख रहे हैं, और 2024 जो भाजपा का बहुत बहुत महत्वपूर्ण मिशन है जिसमें यह तय होगा कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 के बाद लीड करेंगे या नहीं करेंगे, 2024 में भाजपा का नया चेहरा अमित शाह होंगे या नितिन गडकरी होंगे, कौन होगा चेहरा। तो इसलिए 2024 में मीडिया मैनेजमेंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी राष्ट्रीय लेवल पर। तो ऐसे में मुझे एज ए पत्रकार ये डाउट हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति को जो गुजरात से लगातार उनके साथ हैं और अब देश में मीडिया का, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी की एंट्री क्या ये पुष्कर सिंह धामी के लिए शुभ संकेत है? देखिए भगत सिंह कोश्यारी की जो एंट्री हुई है वो कहीं ना कहीं पिछले दिनों से वो जब थोड़ा सा ये कमजोर पहलू पड़ा है पुष्कर सिंह धामी का, तो जो मेरे इनपुट्स कह रहे हैं, मेरे सूत्र कह रहे हैं कि वो अजय भट्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, अजय भट्ट को लेकर वो इस चीज में लगे हैं कि अगर ऐसी चीजें नहीं, अगर आपको ब्राह्मण फेस देना है तो अजय भट्ट के ऊपर हम एक वो
वो कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अजय भट्ट की लॉबिंग को लेकर लगे हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी की लॉबिंग बहुत हैंड तक लोगों के अलग अलग तर्क हैं। कुछ विधायकों का ये तर्क है कि अगर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये एक्सपेरिमेंट रास्ते खोल देगा पूरे देश की राजनीति में, तो आपको इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, जिसमें बड़े नेताओं का बोलना है और जो तमाम जो अन्य विधायक है उनका भी बोलना है कि अगर आप किसी व्यक्ति के उस पर चुनाव लड़े हैं ये अच्छी बात है हम सरकार में आए, लेकिन अगर हारे हुए व्यक्ति, अगर क्योंकि आप हिमाचल में आपने ये नहीं किया था, जब प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए थे तो आपने जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बना दिया था, तो अगर आप इस बार उत्तराखंड में ये चीज सेट करेंगे तो आपको देश के हर संजीव वर्मा के पास जाऊं ज्वाइन कर चुके हैं, दो नाम है जो मुझे लग रहा है छूट गए, और कहते हैं ना कि कुछ जो सोर्स होते हैं जो सूत्र होते हैं, अब वर्मा जी को तो मैं तो बताऊंगा नहीं मेरे सूत्र कौन से हैं, अवधेश भाई आप भी नहीं बताएंगे, पिछली बार सब कह रहे थे कि ये बन रहे हैं वो बन रहे हैं, महाराज जी बन रहे हैं, धन सिंह रावत जी बन रहे हैं, पिछली बार मैंने कहा था कि पुष्कर सिंह धामी जी को फोन लगा लो, ये एक दिन पहले मैंने कहा था कि पुष्कर सिंह धामी को फोन लगा लो, आप पिछले 10 दिन से मुझसे पूछ रहे हैं, अब जैसे मेरे बॉस है मुझसे पूछ रहे हैं कि इस बार किसका अब बताऊं किसका फोन मिलाओ, वर्मा जी, अवधेश भाई, ना 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 ना, अभी मैं नहीं कह रहा कि उन्हीं का मिला लो, उन्हीं का नंबर है, एक दो नाम पूछ लेता हूं मैं भी, थोड़ा सा एक मिनट, आ रहा हूं वर्मा जी। अवधेश भाई, चौपाल जी की तबीयत ठीक है? चौपाल जी को तो पहले ही बुला लिया गया है, बिल्कुल चौपाल जी अब होली छोड़कर आज कुमाऊं में होली खेली जा रही है, लेकिन चौपाल जी जो है देहरादून में डटे हुए हैं और तमाम जो उनका हाव भाव और जो चेहरे का जो जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कुछ अपने आप में कह रहा है और लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीजें जो है पॉजिटिव हुई है। एक नाम और सरप्राइज दूं वर्मा जी, अंदर की खबर है, अब पता नहीं देहरादून में है या नहीं है, ये जो ब्राह्मण चेहरा तलाश रहे हैं, एक नाम और देता हूं अवधेश भाई, ये सुबोध उनियाल जी कैसे हैं? वो भी बढ़िया है, उनका भी बायोडाटा आला कमान ने मांग रखा है, उनका बायोडाटा भी आला कमान के पास जा चुका है, विजय बहुगुणा जी ने पैरवी की है और ऊपर एक और ही विश्वसनीय व्यक्ति ने पैरवी की है, उनका नाम लेना उचित नहीं है, काफी करीबी है मोदी और अमित शाह जी के, तो उन्होंने भी पैरवी की है, तो काफी मजबूत ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनका नाम भी है। वर्मा जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है सर आपको, मैंने दो नामों का जिक्र किया, सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर। उत्तराखंड पूछ रहा है कि आपको चाहिए था कि हमें इतने विधायक दे दो, उतने विधायक दे दो, 60 पार तो नहीं दिए, खैर वो तो पोस्टर भी आपने हटा लिए थे, मेरा पेट्रोल और फूक दिया 1000 रुपए का ढूंढने के लिए, पोस्टर मिल जाए पोस्टर ही ना मिला मुझे पूरे उत्तराखंड में, खैर लेकिन अब मुझे इतना तो बता दो आप कि ये जनता जो पूछ रही है, पब्लिक पूछ रही है उत्तराखंड की, किस बात का इंतजार करवा रहे हो आप? ताजपोशी करवाइए गैरसैंड में, नहीं तो देहरादून में ही करवा दीजिए। तिलक जी थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और बहुत जल्द एक दो दिन के अंदर ही एक दिव्य और भव्य जो 2022 चुनाव जो भी संपन्न हुए हैं इसका जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम बहुत दिव्य और भव्य होगा, एक सार्वजनिक स्थान पे होगा और जिसमें हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी जिसमें शिरकत अपनी करेंगे और उनका भी मैं सोचता हूँ एक मार्गदर्शन हम सबको मिलने वाला है और तमाम वर्ग उस इस जो शपथ ग्रहण होना है इसके अंदर शामिल रहेंगे और ऑब्जर्वर के रूप में रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी और माननीय सांसद वर्मा जी मीनाक्षी लेखी जी। वर्मा जी आप मुझे प्रक्रिया बता रहे हैं, ये प्रक्रिया मैं जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि वो लिफाफा आएगा बंद लिफाफा, उस लिफाफे में से एक विधायक खड़ा होकर कहेगा कि मैं प्रस्ताव देता हूँ, वो सब चीज प्रक्रिया मुझे मालूम है, और जो ताजपोशी कह रहे हैं कि भव्य ताजपोशी, मैंने खंडूरी जी की भी देखी है, निशंक जी की भी देखी है ना सर, विजय बोगड़ा जी की भी देखी है ताजपोशी, वो सौभाग्य हरीश रावत की ताजपोशी का भी मैंने देखा सर, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ कि इंतजार किस बात का करवा रहे हो आप? कोई इंतजार वाली बात नहीं है, बस एक शुभ मुहूर्त का इंतजार है। अच्छा शुभ मुहूर्त? हाँ अच्छा अच्छा, शुभ मुहूर्त का इंतजार है और अच्छा उत्तराखंड का ही शुभ मुहूर्त नहीं निकाल पा रहे आप, बाकी सब राज्यों का तो निकाल दिया आपने। देखिए शुभ काम है तो मुहूर्त भी शुभ होना चाहिए ना। अच्छा ये अवधेश भाई इतनी अफवाहें फैला रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे उन अफवाहों के बारे में आप? तिलक जी देखिए हमारे जो भी मुख्यमंत्री होंगे
जो भी हमारे विधायक हैं विधानमंडल दल की बैठक होगी उसमें जिसको भी वो अपना एक सर्वमान्य नेता चुनेंगे वो हमारे सर वो तो होता है ना प्रक्रिया, कोई दूसरा दूसरा ऑप्शन भी नहीं है ना सर उसके अलावा, है ना जी। कोई ये तो है नहीं कि आप मुझसे पूछोगे। अधिकारी लॉबी जो है ना सर, अब एक अंदर की खबर बताता हूँ आपको, दिल्ली में बैठ के एक खबर और भी है मेरे पास अवधेश भाई, ये जो अधिकारी लॉबी है ना उत्तराखंड की, उनसे भी इनपुट मांगा जा रहा है कि ये बताओ भैया कि ठीक है जनहित में कौन मुख्यमंत्री बने अलग बात है, विधायक हित में कौन बने अलग बात है, अधिकारियों के हित में कौन बने आप अपना नाम भी दे दो। वर्मा जी गलत बोल रहा हूं जी? सर देखिए अधिकारी की जैसे आप बात कर रहे हो तो अधिकारी और जो हमारा शासन और प्रशासन वो दोनों एक दूसरे के हाथ और पांव और आंख और कान का काम करते हैं, सभी लोगों का एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत, एक होता है घोड़सवार और एक होता है गधा सवार। कड़वी बात बोल रहा हूँ सुन लीजिएगा सर, एक होता है घोड़सवार एक होता है गधा सवार। घोड़सवार कौन था, कौन था जिनको नकेल खींचने आती थी अधिकारियों की, जिससे अधिकारी डरते थे, खंडूरी या जरूरी, है ना सर? अब गधा सवार कौन था मुझसे मत बुलवाओ, वरना फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, कमलेश मैडम भी नाराज हो जाएंगी। लेकिन एक बात, कमलेश मैडम इनके घर में तो मुख्यमंत्री आज नहीं तो कल बना देंगे, ताजपोशी करवा देंगे, आपके घर में तो इससे बड़ा बवाल आने वाला है, बड़ा बवाल। कोई धारचूला से बोलेगा तो कोई चक्राता से बोलेगा, कोई रामनगर से बोलेगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी नेता प्रतिपक्ष तलाशने में, नहीं लगता मैडम आपको? कोई दिक्कत नहीं होगी, पक्का सब बढ़िया ही बढ़िया होगा, सब चंगा ही चंगा होगा, ऐसी बात नहीं है। आप अभी इतनी अच्छी डिबेट कर रहे थे मुख्यमंत्री मैं देरी क्यों, तो देखिए अचानक जब छप्पर फटता है तो सबको अचानक समझ में नहीं आता है कि कौन क्या कैसे क्या हुआ, ये कैसे हो गया, क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी भाजपा को कि हम लोगों को दोबारा इतना मैंडेट मिलेगा और हम दोबारा सरकार बनाएंगे, तो इसलिए वो कंफ्यूज है कि किसे बनाए और किसे ना बनाए, और यही कारण है देरी का। लेकिन खैर वो भाजपा के घर का मामला है, वो अपने हिसाब से उन चीजों को करेंगे, बहुत जल्द उत्तराखंड में हमारे नए सीएम शपथ लेंगे और उत्तराखंड को मुख्यमंत्री मिलेंगे। हमारी तो शुभकामनाएं है कि अच्छा काम करें, उत्तराखंड की जनता से जो पहले वादे किए थे उनको भी पूरा करें और अब जो वादे किए उत्तराखंड की जनता से उनको भी पूरा करने का काम करें। और जैसे ही चुनाव हमारा खत्म हुआ, जिस दिन काउंटिंग थी उस दिन भी हमारे पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं, बस हमारी तो यही उम्मीद है कि इस सरकार से जनता की बहुत उम्मीद है उत्तराखंड की सरकार को,